कहते हैं कि हजारों करोड़ के टर्नओवर वाली कई कंपनियों की शुरुआत कभी किसी छोटे से कमरे या गैराज में शुरू हुई थी। कुछ इसी तरह झारखंड के गांवों के छोटे से कमरों में अपनापन और प्यार से बने उत्पाद भी बहुत जल्द दुनिया के कोने कोने में अपनी खुशबू बिखेरेंगे। रांची के नामकुम प्रखंड के 300 घरों वाले कुटियातू गांव की शोभा दीदी का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होगा। शोभा दीदी के संघर्ष की कहानी साल 2008 में शुरू हुई। ससुराल पहुंचते ही अभावों के पहाड़ से सामना हुआ। आर्थिक तंगी स्वयं सहायता समूह तक खींच लाई। बैंक से लोन मिला, फिर शुरू हुआ ओल, आम, मिर्च और करेल का अचार बनाने का सिलसिला। शुरुआत में तो सर कोई चीज का सुविधा ही नहीं लगता था। जैसे कुछ कहीं खरीदने के लिए जाते थे, उस टाइम हम लोग पास गाड़ी नहीं था और रोड में ऑटो नहीं चलता था। उस टाइम 2008 में ऑटो नहीं चलता था, मतलब किसी का गाड़ी का, एक तो किसी का मोटरसाइकिल से लिफ्ट ले लेते थे, चाहे कोई ट्रक उरक से उस टाइम ट्रक का लिफ्ट लेना पड़ता था। दो पैसे आए तो सबसे पहले घर बनाया। ये कमरा छोटा सा जरूर है लेकिन किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। यहाँ SHG की दीदियाँ जुटती हैं। मेहनत से तैयार ड्रम में रखे अचार को डिब्बों में भरा जाता है, कोई प्रिंट चिपकाता है, कोई डिब्बे को सील करता है। 12 वर्षों का संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए बेताब है। व्यवसाय बढ़ने के लिए हम लोग को दुकान चाहिए बस, बाकी हम लोग सामान खरीद लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, सब चीज हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ एक दुकान नहीं है। हुनर को पहचान मिलने के अलावा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी भी संवर रही है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और रहन सहन का स्तर भी सुधर रहा है। कल तक शहर, कस्बा और गांव के बाजारों में यहां की महिलाएं हड़िया बेचती दिखती थीं। अब इनके हाथों से बने प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में पहुंचेंगे। बाल बच्चा कितना है आपका? 4 गो है। 4 है। हाँ। बच्चा लोग पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रही है। काहे पढ़ा रहे हैं? कुछ बुद्धि होगा, कोनो आगे बढ़ेगी, इसीलिए पढ़ रही है। इनके सपनों को परवान चढ़ा रहा है झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग की इकाई, यानी JSLPS। इस समिति की बदौलत दीदियों के प्रोडक्ट्स को पलाश नाम से पहचान मिल गई है। फिलहाल सभी सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में डिस्प्ले काउंटर लगाया गया है। अब बड़े बड़े अफसरान भी दीदियों के प्रोडक्ट का लुत्फ उठाने लगे हैं। मोरिंगा टी यानी सहजन के पत्ते की चाय, टेट्रा पैक में बकरी का दूध, कई तरह से शहद, ब्राउन राइस, हर्बल साबुन, इमली केक, जामुन का सिरका, मड़वा आटा और अचार सहित 37 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने की तैयारी है। साल 2023-24 तक 1000 करोड़ के टर्नओवर का अनुमान है। प्लास ब्रांड का जो मुख्य उद्देश्य है, झारखंड के राज्य के प्राकृतिक और नैसर्गिक गुणों को संसार के सभी कस्टमरों तक पहुंचाना है। बहुत जल्द ही हमारे प्लास के द्वारा, सखी मंडल की दीदियों के द्वारा निर्मित उत्पाद फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे विश्वव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होने जा रहे हैं। साथ ही रिलायंस रिटेल स्टोर में भी हमारे उत्पाद जल्द ही नजर आने लगे। शोभा दीदी की तरह झारखंड में करीब 1,09,000 दीदियाँ अब उद्यमी बन गई हैं। कहते हैं कि जहाँ महिलाएं सशक्त होती हैं, वहाँ का समाज सशक्त होता है। झारखंड में बुनियाद पड़ चुकी है, बस जड़ को मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।